हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर शहर में आने वाले दिनों में भयंकर पेयजल की किल्लत पड़ने वाली है। पेयजल आपूर्ति के दोनों प्रमुख जलाशयों की लाइफ स्टोरेज में सिर्फ 4 दिन का पानी शेष है, जबकि इनकी कुल क्षमता 20 दिन का पानी संचय करने की है। वर्तमान में लिफ्ट कैनाल से दैनिक खपत से भी कम पानी मिल रहा है। ऐसे में दैनिक आपूर्ति के लिए दोनों जलाशयों का सहारा लेना पड़ रहा है। मानसून की बेरुखी से हालत यह है कि वर्तमान में इन दिनों जलाशय के लाइफ स्टोरेज में मात्र 55 से 60 फीट पानी शेष है। इसी कारण 5 अगस्त की रात 8 बजे से कायलाना, रात 12 बजे से चौपासनी और 6 अगस्त सुबह 8 बजे से झालमड फेयर हाउस में 24 घंटे का शटडाउन होगा। इसके चलते 6 अगस्त को होने वाली जलापूर्ति 7 तारीख को और 7 को होने वाली सप्लाई 8 अगस्त को होगी। जलदाय विभाग के अनुसार पिछले कुछ समय में मदासर के बाद लिफ्ट कैनाल से नई ग्रामीण पेयजल योजनाओं को जोड़ दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की खपत बढ़ने के बाद शहर में प्रतिदिन 15 फीट से भी कम पानी मिल रहा है। लिफ्ट कैनाल से मिलने वाली पानी की मात्रा बढ़ नहीं सकती। इसके चलते आगामी दिनों में शहर की जलापूर्ति मानसून पर निर्भर है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।